जब आप उठे, you must have seen yourself in a certain state. Yeah, that's what I'm saying. That's why I stopped at that point. I was like, I was new at that time. तो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम इस कंडीशन में कैसे पहुंची. And after that, I tried calling him also, but he didn't pick the call. Hello. Hi. We have just come up to receive you, please. Hi, Richa. Hi. Richa ने पूछा रणवीर जी से कि आप शादीशुदा ना होते तो उनका आप पे क्रश है अभी भी. क्या बोलते शादी करते पहले बचपन में होगा. नहीं अभी भी है. अच्छा फिर ठीक है. थोड़ा थोड़ा. थोड़ा थोड़ा क्यों? Because he's married now, so that's why. आपने जिस तरीके से लिखा है आप एक विलेन क्यों हैं? अभी थोड़े टाइम पहले पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मेरी खुद की गलती की वजह से है और मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाने की कोशिश करी है इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट आई एम अ विलेन ऑफ माय लाइफ. एंड अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं करा जो मैं किसी के लिए अच्छा कर सकूँ या खुद के लिए भी अच्छा कर सकूँ. जैसे क्या खराब क्या क्या खराब चीज़ें की आपने? लाइक आई वॉज इन टू ड्रग्स. सो उसकी वजह से मैंने अपनी फैमिली को बहुत हर्ट किया है. रिहैब गए थे? रिहैब गई थी, फिर मैं वहाँ से भाग गई थी. कि इसका रीजन क्या है, किस वजह से आपने स्टार्ट किया था? ब्रेकअप हुआ था उसके बाद. नॉर्मली आई फेल्ट लिटिल बैड और समथिंग. उसके बाद मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया जस्ट टू ट्राई इट एंड आई जस्ट स्लिप्ड इनटू इट. या आई कांट. अच्छा आपने अपने फॉर्म में बहुत कुछ लिखा है. हाँ जी. जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं. Are you comfortable yeah. talking about everything that's written in your form? Yes, I am. Okay. Did anything stem from this part where you were, where you've said you've gone through sexual abuse? वो चीज़ ऐसी थी जो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई. How young were you? 2 years back only, and that was just because of my drugs and all. नशों की वजह से. कौन है? रिश्तेदारी में है, दोस्त? नहीं नहीं नहीं. मेरे फ्रेंड के वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन उसके डैड. व्हाट व्हाट आई वेंट टू अ पार्टी विद माय फ्रेंड. उसके डैड और मॉम दे आल्सो यूज्ड टू डू क्लबिंग एंड ऑल. सो वो लोग वहाँ पे आए थे. ही मेक अस मीट टू हिज पेरेंट्स एंड देन उस दिन आई हैड समथिंग. उसके बाद मैं पार्टी में गई. देन आई हैड ड्रिंक्स आल्सो. सो आई जस्ट पास्ड आउट. सो उसके बाद व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग आई वाज इन हिज डैड्स रूम अलोन. एंड इट वाज लाइक डू यू नो व्हाट हैपेंड? नो दैट्स द प्रॉब्लम. वही चीज मुझे अभी तक वो होती है कि मेरे को यही नहीं पता कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था. यू डिडंट बॉदर चेकिंग अप? यू डिडंट बॉदर लाइक? या अगर उसी टाइम 24 आवर्स के बीच में हो तो पता लग जाता है. आई हैड दैट पिल थिंग. आई कांट इमेजिन हाउ स्केरी इट मस्ट हैव बीन. या व्हाट? नो यू हैड द पिल इज डिफरेंट. या बट जब आप उठे यू मस्ट हैव सीन योरसेल्फ इन अ सर्टेन स्टेट. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड एट दैट पॉइंट. आई वाज लाइक आई वाज न्यू एट दैट टाइम. Where was your friend? He was at his mother's place because he lives with his mother. तो तुम्हें कुछ नहीं पता तुम इस कंडीशन में कैसे पहुंची? And after that I tried calling him also but he didn't pick the call. I can understand the fear when yeah. she wakes up like that. Of course. I can understand the fear that you cannot retaliate and you're not physically strong enough to fight. I see. But shouldn't have let it go, yaar. It is going to haunt you for life, and you know that. It does. It does. But so I can't do anything about it. Uske against to kya karegi? Usse ladegi kaise? Main nahi lad sakti because I don't have that any kind of a you know. Koi mere paas saboot ya kuch nahi hai. Have you told your mom and dad? No. Why? Because I cannot. What do you want to do about it? Nothing. You want to do nothing about it. कुछ नहीं होगा. ये कहना आसान होता है और करना मुश्किल होता है. ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है कि हम उसको कर देंगे और ये कुछ हो सकता है उसके लिए.
When you woke up in the room, where was the mother? They both are divorced. They live separately. Oh, because you said they were wo, yeah, dono clubbing party karte hain aur dono saath party hai. Mein they party together but with different person wo ek saath rehte nahi hai. Okay, this is why she can't do anything about it. Exactly, because he lives alone. Wahan pe koi aur nahi tha mujhe dekhne ke liye ki mere saath kya hua. Aur mera family bhi mujhe support nahi karega. I don't think so. Yaar kaisi baat kar di tune yaar. As soon as she says to the police, मैं ड्रग्स लिए थे अब आगे ये फंसी ना सबसे पहले वो ठीक है okay, वो प्रूफ हो या ना हो कोई बात नहीं रोना नहीं है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग टू लेट इट गो एज वेल छोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है बहुत गंदे लोग हैं आजकल everybody is just running after this thing you have to protect yourself yes. no you everybody is yourself. Just running after this. That's why I don't talk to even anyone this is not your fault you're out of it but you guys I see this thing like this but ye society aise nahi dikhegi you're not answerable to society but I am answerable to my parents yes, right yes you are yes. and they're by and your you side. Have to you have to build the trust with your parents again that is on you उनका ट्रस्ट जैसे उन्होंने बोला है आपको दोबारा गेन करना पड़ेगा डू व्हाटएवर इट टेक्स लिसन ऋषा यू डोंट नीड टू बी बट यू कैन एक्चुअली बी अ बीकन फॉर गर्ल्स हु आर लॉस्ट एंड यू कैन बी अ वॉइस एंड अ गाइड फॉर देम बिकॉज यू हैव बीन थ्रू इट यू हैव कम आउट ऑफ इट दैट टोटली कम आउट ऑफ इट इट्स अ वेरी पावरफुल वॉइस यू कैन हैव इफ यू चूज टू यूज इट नथिंग I just can't even think of that. दोस्त बदल दिए ना दैट्स यू गॉट द पॉइंट बिकॉज मैंने वो दोस्त ही हटा दिए ना जो मेरे को मतलब अगर मैं नहीं भी करना चाहती थी तो मेरे दोस्त होते थे वो करवाने वाले बहुत मुश्किल होता तो स्ट्रांग है Like I said, important thing, you're here now. Yes. Yeah? Yes. Richa, Bina. Before I... That's why I wanted to do that. Started asking you questions. मैंने पूछा था, will you be okay getting into it? Now that we're past that, let's start afresh. चलो पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं फेवरेट थिंग टू डू अगर आज हम लोग आपके दोस्त होते और हम बोलते हम वही करेंगे यार रिचा जो तेरे को करना है विल गो फॉर सम बॉलिंग और समथिंग बॉलिंग इज गुड लेट हर बी द बॉल रोल एंड हिट द पिंस ठीक है ओके लेट्स द फोर ऑफ ऑल फाइव ऑफ अस बिकम द पिंस ये आपकी लाइफ का most memorable bowling experience hone wala hai we are the pins you can take us down come on let's see a strike sabse zyada pyar mujhe hi oh you still have a spare keh do ghabrahat ko bye still have a spare make sure thank you for bringing good, with us good char gang leaders yahan par yes I don't know inke mann mein bhi kya chal raha hai but agar inme se kisi bhi teen ne aapke liye batti jala di इट मीन्स कि आप रोडीज की जर्नी में आगे जाएंगे अगर नहीं जलाई डजेंट मैटर ऑलरेडी दिस इज अ प्लस फॉर यू आई थिंक राइट दे हैव 10 सेकंड्स गाइस योर 10 सेकंड्स स्टार्ट नाउ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 I want this to be the beginning of your new life. This for me means you have to get over everything, be fresh, start new, make good friends, make new memories, and start a new life. मैं कुछ कहना चाहता हूँ to the other gang leaders as well. हम कभी-कभी कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग roadies audition के लिए आते हैं, फेम के लिए आते हैं नाम बनाने के लिए आते हैं बट समटाइम्स देयर समबडी हु एक्चुअली डिजर्व इट देयर इज अ स्पॉट यू नो इट कैन रियली मेक अ डिफरेंस इन देयर लाइफ इज शी रोडीज मटेरियल ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो बट आई थिंक कि अगर आप जर्नी पे निकली इफ यू कम टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और आप देखोगे कि वो कैसी जगह है आप कुछ लोगों से मिलोगे आई थिंक लाइक रफ्तार सेज इट कुड रियली चेंज योर लाइफ इट कुड आई मस्ट ऐड टू दैट निखिल ग्रेट थॉट पर मेरे हिसाब से Beginning of a new life has already happened here. मुझे ये नहीं मालूम कि रोडीज एक्सट्रीम की जर्नी इसकी जिंदगी बदलेगी फॉर द बेटर
Or for the worse. Or for the worse. And I can see her getting very influenced very fast, and she's not ready for it. Here's the thing, between the two judgments, Nikhil aur Neha ne jo bola hai, aur Raftaar ne. What Nikhil said is 100% true, ki agar hamare sath aisi journey pe jayegi, but Nikhil, it is not that journey. I can't promise that to you, you can't promise that to her right now. आपको भी नहीं पता एक्सट्रीम कैसा है. योर इंटेंशन इज राइट, बट यू अंडरस्टैंड अगर ये आई स्टिल थिंक कि अगर ये टेंट में रहेगी एंड शी गेट्स अ एस किक, इट विल बी गुड फॉर हर. ब्रदर, व्हाट इफ समबडी इन दैट टेंट शी फॉल्स इन लव विद एंड चीट्स ऑन हर, ब्रेक्स हर हार्ट, देन वोट्स हर आउट एंड शी लूजेस. आई स्टिल थिंक दैट विल बी गुड फॉर हर, बेटर देन स्टेइंग इन अ सिटी. आई स्टिल थिंक इट विल बी बेटर फॉर हर देन स्टेइंग इन अ सिटी. You have to understand, we are all coming from a place of concern. हम सब एक ही चीज चाहते हैं, तुम्हारा भला. उन दोनों ने लाइट ऑन करके ये सोचा है कि तुम्हारा भला होगा, और बाकी हम सब ने ये सोचा है कि तुम्हारा भला होगा तुम्हें घर भेज के. और जैसे रणविजय ने कहा, you have other battles to win right now. And Rory's extreme is not one of your battles. निखिल सही बोलते हैं, और नेहा भी सही बोलती है, रफ्तार भी सही बोलता है. मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कलिंग राउंड तक क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो कि नहीं, स्ट्रॉन्ग मेंटली हो सकते हो कि नहीं. इफ़ यू रेडी वील सी, विल टेक यू. इफ नॉट, यू हैव दैट वन स्टेप, यू वन स्टेप क्लोजर. इज दैट फेयर? ये है रोडीज एक्सट्रीम की चाबी. दिस टेक्स यू वन स्टेप क्लोजर. लाइक आई सेड, I still don't think you're Rhodey's material. Magar aapke paas 2 mahine ka waqt hai to come to that level. It's not only about mental fitness. It's not about being mentally strong. That's not all it takes. Okay? I won't let you down, for sure.